जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और साथ में केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो हमारा चैनल वैसे भी मोनिटाइज हो चुका है, बट कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो हम आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे एड्स को स्किप ना करें। हम आपके लिए फ्री में सारा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर हमारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपके लिए मिनिमम कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें साइकोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और साथ में प्रैक्टिस सीरीज और जितने भी पुराने प्रीवियस पेपर्स है 2013 से लेके 2024 तक, आपको सब प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारी पीडीएफ में। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, विच नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे? तो ऑप्शन नंबर वन है मरकरी, ब्रोमीन, कॉपर या आयोडीन। तो दोस्तों अगर पूछा होगा नॉन मेटल्स, तो कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो रहती है ब्रोमीन। कौन सी रहती है दोस्तों? ब्रोमीन रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। और अगर पूछा हो तो आपका ऐसी कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सी रहती है दोस्तों? मरकरी रहती है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है कि मेटल पूछा है। हम जल्दबाजी में कई बार मरकरी को टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड वाटर। कौन सी नॉन मेटल को हम स्टोर करते हैं कोल्ड वाटर में? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कौन सी मेटल को हम स्टोर करते हैं कोल्ड वाटर में? तो दोस्तों कौन सी मेटल को हम स्टोर करते हैं कोल्ड वाटर में? फास्फोरस को स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर शोन एज एम्फोरेटिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा हमारे पास एम्फोरेटिक ऑक्साइड है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एम्फोरेटिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो बिहेव करते एसिड एज वेल एज बेस, जो कि एसिड भी बिहेव करते और बेस भी। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड भी बिहेव करते और बेस भी बिहेव करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोरेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपका Al2O3, ZnO, HgO या बोथ A एंड C। दोस्तों यहां पे गलत होना था, बोथ A एंड B होना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड दोनों कौन से ऑक्साइड होते हैं? एम्फोरेटिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोरेटिक ऑक्साइड का मतलब है ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं? एसिड बेस भी बिहेव करेंगे और एसिड भी बिहेव करेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि दोस्तों ध्यान से देखना इसको, कि जब भी मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो हमेशा कैसे बिहेव करते हैं? बेस बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? बेस बिहेव करते हैं। और जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे तो वो कैसा बिहेव करते हैं? एसिड बिहेव करते हैं। और ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी लास्ट में ओ लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्साइड्स बोलते हैं। और जब भी लास्ट में OH लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं मेटल ऑक्साइड का ही आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जब मेटल कौन सी लेंगे? मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है वो? 2MgO बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑक्साइड बना, देखो MgO किसका ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड है। कि लास्ट में ओ लगा इसके, तो क्या बना? ये ऑक्साइड बना। तो किसका ऑक्साइड बना है? मेटल का ऑक्साइड बना। तो मेटल का ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों नेचर में? बेस नेचर के होते हैं। और वैसे ही सेम दोस्तों नॉन मेटल का भी आपको एक एग्जांपल दूंगा। नॉन मेटल जैसे आपके पास कौन सी नॉन मेटल है? कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करेंगे क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन क्या है दोस्तों? नॉन मेटल। देखो लास्ट में ओ लगा है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है।
और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का जब भी ऑक्साइड बनेगा दोस्तों तो कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। तो कई बार आपको एग्जाम्पल भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा एसिडिक बिहेव करेगा। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक आपके पास नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक बिहेव करते हैं, और मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करते हैं, बेस बिहेव करते हैं। और जो एसिड एज वेल एज बेस बिहेव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम एम्फोरेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसे सिर्फ कौन से होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम और ZN होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो रहा था, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन हो रहा था। तो डी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज नोन एज एक्वारीजा। एक्वारीजा किसे हम बोलते हैं? तो एक्वारीजा बोलते हैं हम जब भी HCl और HNO3 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ध्यान से देखना दोस्तों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड NH3 और HCl और HNO3 बनते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जब भी बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्वारीजा बनते हैं। और एक किस रेशियो में कंबाइन करते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, 3:1 की रेशियो में कंबाइन करते हैं। HCl कितना होना चाहिए, 3, और HNO3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिखा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, और HNO3 को हम क्या बोलते हैं, हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना था दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल इज नोन एज अ गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। कौन सी मेटल को हम यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोन नहीं होना, विच मेटल इज यूज एज अ गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में हम किस मेटल का यूज करते हैं, पोटेशियम, कॉपर, आयरन या जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन किस लिए करते हैं हम, टू प्रिवेंट दी रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लगाने से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन का यूज कर लेते हैं। और गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, किस पे दोस्तों, जिंक की कोटिंग जब हम आयरन पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टर राइट इज दी ओर ऑफ। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ये वाला क्वेश्चन, ओर वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आपको आता है। तो आपको मैंने अपनी 25 डेज क्रैश कोर्स की वीडियोस में, जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े थे, उस वीडियोस में आपको मैंने ट्रिक याद करवाई थी इन ओर्स को याद करने की। तो आप जरूर उस वीडियोस को एक बार देख ले, ठीक है। तो सिस्टर राइट किसका ओर होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास टिन का ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। सिस्टर राइट का इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास SnO2। इसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, SnO2 रहता है। तो सिस्टर राइट का फॉर्मूला SnO2 रहता है, और किसका ओर है दोस्तों हमारे पास, टिन का ओर है। तो इसको एक ही ओर होता है हमारे पास टिन का, सिर्फ वो कौन सा ओर हमारे पास, सिस्टर राइट ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। बॉक्साइट दोस्तों किसका ओर है, तो बॉक्साइट हमारे पास कॉपर का ओर है, एल्युमिनियम का ओर है, लेड का ओर है या मैग्नीशियम का ओर है। तो बॉक्साइट हमारे पास एल्युमिनियम का ओर होता है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, कई बार फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, Al2O3.3.2H2O होता है दोस्तों। यहाँ चेक कर लेंगे आप, 2 होता है या 3 होता है। तो Al2O3.2H2 हमारे पास फॉर्मूला रहता है बॉक्साइट का। एल्युमिनियम के आपको मैं ओर बता दूं, कौन कौन से एल्युमिनियम के ओर रहते हैं। एल्युमिनियम का ओर रहता है पहला बॉक्साइट, दूसरा रहता है हमारे पास क्रायोलाइट, दोस्तों इसको याद रखना, क्रायोलाइट। तीसरा हमारे पास ओर रहता है कोरंडम, CORCORONDUM, और चौथा रहता है आपका डिस्पुर। तो ये सारे ओर दोस्तों किसके रहते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम के ओर है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास Na3AlF6, और कोरंडम का फॉर्मूला होता है दोस्तों Al2O2, और डिस्पुर का फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2O3.H2O। तो ये सारे ओर दोस्तों किसके हमारे पास, एल्युमिनियम के ओर है। और बॉक्साइट भी किसका ओर होता है हमारे पास, एल्युमिनियम का ओर होता है। तो इसकी एक ट्रिक थी दोस्तों, तो ट्रिक को आप याद कर लेना, ठीक है। 25 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियो में मैंने बता रखी है। वैसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एल्युमिनियम की बुआ, आपको एक बार मैं याद करा दूं ट्रिक, एल्युमिनियम की बुआ जी, बुआ क्राइंग,
एल्युमिनियम की बुआ क्राइंग, मुझे दो इलायची दो, मुझे दो इलायची, इलायची को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कोरंडम, CORUNDUM, मुझे दो कोरंडम दो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बुआ, बुआ से क्या बनेगा दोस्तों, बॉक्साइट बनता है। ठीक है, क्राइंग से क्या बनेगा, क्रायोलाइट बनेगा, क्राइंग से क्या बनेगा, क्रायोलाइट बनेगा। दो से दोस्तों कोरंडम से क्या बनेगा, कोरंडम से कोरंडम ही रहेगा, और दो से क्या बनेगा दोस्तों, दिसपुर बनेगा। तो आप इसको ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एल्युमिनियम की बुआ क्राइंग, मुझे दो कोरंडम दो, तो ये बॉक्साइट के ओर रहते हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास इप्सम साल्ट इज द ओर ऑफ, इप्सम साल्ट दोस्तों किसका ओर है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर या लेड। तो इप्सम साल्ट रहता है हमारे पास मैग्नीशियम का ओर रहता है, और इप्सम साल्ट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है, MgSO4.7H2O इसका क्या रहता है हमारे पास फॉर्मूला रहता है। मैग्नीशियम के ओर मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम के ओर कौन कौन से रहते हैं हमारे पास, मैग्नीशियम के ओर रहते हैं हमारे पास, पहला रहता है हमारे पास डोलोमाइट, पहला रहता हमारे पास डोलोमाइट, दूसरा रहता हमारे पास कार्नोलाइट, CA। पीछे दोस्तों एल्युमिनियम का क्या था, क्रायोलाइट था, और मैग्नीशियम का कौन सा था, कार्नोलाइट, CARNALLITE। और तीसरा रहता हमारे पास इप्सम साल्ट, क्या रहता है दोस्तों, इप्सम साल्ट रहता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला अगर आप याद कर लो, कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, MgCO3.CaCO3, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है डोलोमाइट का। ठीक है, और मैग्नीशियम कि आपको ट्रिक याद करनी हो मैग्नीशियम के ओर की, तो मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम आप याद कर सकते हैं इसको, मैग्नीशियम डोलोमथ, मैग्नीशियम डोलोमथ, कार निकालो हमें यूरोप जाना है, कार निकालो हमें यूरोप, URUP, हमें यूरोप जाना है। ठीक है दोस्तों, तो डोलो से क्या बनेगा, इसमें डोलोमाइट बन जाएगा, डोलो से क्या बनेगा, डोलोमाइट बन जाएगा। कार से दोस्तों क्या बनेगा, क्रायोलाइट बन जाएगा, कार से क्या बनेगा, क्रायनो, CARNALLITE, क्रायनोलाइट बन जाएगा। और यूरोप से दोस्तों आप कर सकते हैं इसको एक प्रकार से इप्सम साल्ट बन जाएगा, इप्सम साल्ट बन जाएगा। और इप्सम साल्ट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, MgSO4.7H2 होता है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गैलिना इज द ओर ऑफ, गैलिना दोस्तों किसका ओर है, लेड, टिन, कॉपर और मैग्नीशियम। तो गैलिना रहता हमारे पास लेड का ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था दोस्तों। लेड के सिर्फ हमारे पास दो ही ओर होते हैं, एक रहता हमारे पास गैलिना, और दूसरा रहता हमारे पास सिस्टर, दूसरा दोस्तों लेड का हमारे पास ओर है सीरूसाइट, सिस्टर नहीं दोस्तों, सीरूसाइट, CIROCI, दोस्तों स्पेलिंग देख लेना, CIRU, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये हमारे पास लेड के दो ओर है, गैलिना, सीरूसाइट। ठीक है, और आपका गैलिना का फॉर्मूला होता है PbS, और सीरूसाइट का फॉर्मूला रहता हमारे पास PbCO3। तो ओर से आपको क्वेश्चन, वैसे अभी तक पिछले जितने भी टेस्ट हुए थे 2023-22-21 के, उनमें हमेशा इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपके पास टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों, 3360, 3370, 3380 या 3390। तो इसका सही आंसर क्या होना था, 3380 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन बहुत बार पेपर में भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन, शोल्डर अलॉय आर मेड अप ऑफ, शोल्डर जो अलॉय है वो किससे बना है, SNPB का दोस्तों क्या, SNPB का मतलब क्या है, PB क्या होता है दोस्तों हमारे पास, लेड होता है, PB क्या होता है, लेड, और SN क्या होता है, टिन, टिन और लेड से बना है, या कॉपर, या कॉपर या टिन से बना है, या कॉपर या जिंक से बना है, या आयरन, क्रोमियम या निकल से बना है। तो शोल्डर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि शोल्डर जो अलॉय है हमारे पास वो किससे बना है हमारे पास, टिन और लेड से बना है, मतलब SN+PB से बना है दोस्तों। और ये अलॉय हमारे पास किस काम के लिए आता है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग की जो आगे वायर होती है, या वेल्डिंग की जो एक पिन जैसी आती है हमेशा जो वेल्डिंग मशीन में लगती है, वो किससे बनी होती है, शोल्डर से बनी होती है। ठीक है,
और आपके पास, आपको बता दूं, कॉपर और टीन दोस्तों किसका ओर है हमारे पास? कॉपर और टीन हमारे पास किसका ओर है? ब्रॉन्ज का। किसका ओर है? ब्रॉन्ज का ओर है। तो ब्रॉन्ज किससे बना है दोस्तों? कॉपर और टीन से बना है, मतलब कॉपर और एसएन से बना है। ब्रास दोस्तों किससे बना है? आपको अलॉय भी मैं साथ साथ करवा दूंगा। ब्रास बना हमारे पास कॉपर और जिंक से बना है, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल हमारे पास किस किस से बनी है? कॉपर, टिन और जिंक से गन मेटल बनी है। और आयरन, क्रोमियम, निकल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील किस किस से बनी है? आयरन, क्रोमियम, निकल से बनी है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो क्रोमियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो कितना होता है? 24। आयरन का कितना होता है? 26। और निकल का कितना होता है? 28। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, 24, 26, 28, 24 क्रोमियम, आयरन और निकल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, विच एसिड आर यूज इन ए कार बैटरीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कार बैटरीज में हम किस एसिड का यूज करते हैं? तो किस एसिड का यूज करते हैं हम? H2SO4 का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो कई बार ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। और H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं H2SO4 को। नेक्स्ट है आपके पास सीनेबार इज दी ओर ऑफ। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। सीनेबार है वो किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है, कॉपर का ओर है, मरकरी का ओर है, या जिंक का ओर है? तो आप मुझे, आई होप आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज नोन एज अ लाफिंग गैस। इनमें से लाफिंग गैस हम किसे बोलते हैं? तो लाफिंग ऑप्शन आपके पास NO, N2O, NO2 या N2O4। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, N2O को हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसको नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस ऑक्साइड भी हम इसको बोलते हैं। और ये नॉन फ्लेमेबल रहती है हमारे पास, नॉन फ्लेमेबल होती है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती है। तो विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस आप किसको बोलेंगे? N2O को बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करो दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में रिएक्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दोस्तों, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपकी एक छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप हमारे लिए कर ही लोगे, क्योंकि इससे, इसके सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं होते हैं दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।